पहली लाइन में थे, तो आप भी वहाँ थे, गोलों के बीच में बहुत सारे पत्रकार थे, चेहरे कल भी वहाँ थे। आज जो 14 तारीख को हमारा किसान साथी शहीद हुआ था, 14 तारीख को ही ऐसे बर्बरता से गोलियाँ दागी गई थी, मोर्टार दागे गए थे और जो अथरू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसको अपने बच्चों को, अपने किसानों को जो घायल होता देखकर, हमारे एक किसान थे 72-73 साल के करीब थे, मंजीत सिंह जी, उनकी जो हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई थी, वो ऐसा नर्स साहब नहीं देख पा रहे थे। आज उनका पार्थिव शरीर हमारे मोर्चे पर लाया गया, आज उनको श्रद्धा के सुमन भेंट करके पूरे मोर्चे की तरफ से सम्मान जो है उनका किया गया, उनकी शहीदी को सारी जो कौम समाज, हमारे किसान और मजदूर समाज हमेशा याद रखेगा। पत्रकार साथियों, जो आज का प्रोग्राम दिया गया है, जो हमारे शहीद हुए साथी हैं, जो हमारे भाई, छोटा नाम उसका गग्गू था, जो लगभग 22-23 साल का था, जो कल पुलिस की गोली से शहीद हुआ है, उसकी शहीदी के निमित्त और दो जो साथी और शहीद हुए हैं उनकी शहीदी को देखते हुए कल को पूरा रोष का दिवस मनाया जाएगा। पूरे गांव की इकाइयाँ या जहाँ जहाँ भी साथी तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमारे भारत सरकार के जो इतनी क्रूरता पर उतरी है, उसके पुतला फूक मुजाहरा किया जाएगा और अपने घरों के ऊपर, अपने साधनों के ऊपर काले झंडे लगाए जाएंगे। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब यह काम हो रहा था, जब भी कभी कभी दो देशों का भी युद्ध हो, तो जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं, जहाँ आप पत्रकार साथी होते हो, जहाँ कोई घायल होता है, उनके एक अलग तरह से देखा जाता है, घायल को भी जो है उठाने का कहा जाता है, पत्रकार साथियों को भी बचाया जाता है, मेडिकल सुविधा दे रहे होते हैं उनको भी बचाया जाता है, लेकिन कल सारी हदें सरकार ने पार की, पत्रकार साथियों को भी नहीं बख्शा और जो मेडिकल कैंप लगा हुआ था उसके अंदर आके पूरे का पूरा कैंप को उखाड़ा गया, जो कैंप पे वॉलंटियर बैठे थे उनको पीटा गया और उनकी जो मेडिसिन थी, खिलार थी, कुछ ले गए। इससे भी बड़ी बात, जिन हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे छोटे साहबजादों की फोटो लगी हुई थी कई ट्रैक्टरों पर, माता गुजर कौर की फोटो लगी हुई थी, माता साहब कौर की फोटो लगी हुई थी, जितने भी धार्मिक हमारे गुरुओं के फोटो थे, उनको जानबूझ के उतार के उनकी बेदबी की गई, उनको पैर के नीचे किया गया, इतनी ज़्यादा क्रूरता। हम सवाल करते हैं भारत की सरकार से, मोदी जी से और अमित शाह जी से, खट्टर सरकार से, कि हमारा कसूर इतना ही है, हम किसान हैं, क्या कसूर था हमारा जो इतना कुछ किया है? तो ये आपने सारा का सारा जो नरसंहार है देखा है, और हम तो यही कहेंगे कि सारी मानवता की सारी हदें पार करते हुए ये हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसको पूरे आवाम तक आपने पहुंचाया है, आपका धन्यवाद। मैं दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह मोलवाली है, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी वालों। एक तो दोस्तों, तुहाडे कैमरे की अख ने जो संसार च रख्या है, थोड़ा इस गलों यार असी बहुत इन्नी है कि इत्थे साढ़े भारत के अपने प्रधान, अपने मुखिए हरियाणे वाले ही साढ़े दुश्मन बन के, अं किसान हैं, अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, असी कुछ मंगा लैके आए हैं, उन्होंने सानू सड़क से डक्या होया, सड़क जाम की हुई हैं, तो साढ़े बच्चे ज इत्थे लोग साढ़े लंगर वरता वाले, जो मैं सवेरे अज रजिंद्रा हॉस्पिटल च साथियों की मनजीत सिंह कंगथल का मुलाजा करा रहे थे, जा मतलब होना साथियों का जोड़ा साथी शुभ कर्म गया साढ़ा, उन्होंने साथियों का करा रहे थे, तो उस टाइम डल्लेवाल जो असी उत्थे वेख्या, जा होर साथी जोड़े मेरी साढ़े फटर होके तू गए, बहुत दिल चीसिया दोस्तों, पीड़ा हुई ने इस देश अंदर, की अपना देश लगता है। मैं तो इस भारत के हक मन में यह कहूँगा थोड़े माध्यम राही कि सानू तुम समझते, ये समझते हो कि अनाज पैदा करने वाले लोग ने, ऊ कहिंदे साडे मालक जिहड़े आ अन्नदाते ने, थोड़े शब्द निकले सी, साडे प्रधानमंत्री ने कहा सी मेरे को गलती हो गई, मैनू माफ़ी दे दो, जदों 19 तारीख नूं गुरु नानक देव जी गुरपुरब ते बोले सी, काले कानून वापस ले सी, ते उदों माफ़ी मंगी सी, ते अज साडे नाल की कीता जा रहा। सो जिथे असी इस सारी कार्रवाई की जिहड़ी हिटलर कार्रवाई की है कल, उहदी कड़े शब्दां च असी निखेधी करते हैं, जिस तरीके ने साडा नौजवान वीरा शुभकर्म ते जिहड़े साथी जितने मलक शहीद होए ने, जां कोई सट्टा लगियां ने, जिस तरीके ना थिया के बंदे इत्थे चुक के लै जाणे, ते अपनी जितने मलक स्टेट वाइज कार्रवाई की जाती है कि पाकिस्तान वाले चुक के लै गए ने, यह अत दुखदाई गल लगी है। सो मैं अज जिथे मनजीत सिंह कंगथल नूं असी
ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਮਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵੋ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਏ ਉਸਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਥੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਥੇ ਉਨਮੇ ਸੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਓਂ ਕੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਟਾਂਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨਕੋ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਲਟਾ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ਜੋ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀਓ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ ਅਭੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵੋ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 25-26 ਸਾਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਥੇ ਉਨਕੋ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟੇ ਉਨਕੋ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਨਕੇ ਸਰ ਮੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਉੱਪਰ 307 ਕਾ ਪਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਉਨਕੋ ਅਭੀ ਰੋਹਤਕ ਮੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ PGI ਮੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹਮੇ ਅਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਨਕਾ ਵਹਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠਾ 307 ਕਾ ਪਰਚਾ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਔਰ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਥੇ ਵੋ ਖਨੌਰੀ ਕੇ ਪਾਤੜਾ ਕੇ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਵੀ ਅਭੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਜੀ ਵੋ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇ ਹੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।